हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आजकल एनवायरनमेंट पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, बहुत सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पर रिंकल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए आज मैं जो फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजीली आप उसको बना पाओगे और उसका इफेक्ट जो है वो 101% आपको मिलेगा अगर आप इसको रेगुलर बेस पर फॉलो करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स से भरपूर ये फेस पैक आपकी स्किन को अच्छे से कूलिंग इफेक्ट देगा, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखेगा और बिल्कुल फ्रेश फील करोगे आप। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी तैयार करके दिखाऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी चेहरे की झुर्रियों को दूर कर सकते हैं और साथ साथ आपके चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं या फिर एक्ने स्कार्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे इस रेमेडी को यूज़ करने से। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर जो मैं इंग्रेडिएंट लूँगी वो सब नेचुरल होंगे, सब जो है किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उनका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो झुर्रियाँ होती हैं यानी कि रिंकल्स होते हैं, इनके होने के रीज़न क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न सामने आया है वो है जेनेटिक रीज़न, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी रीज़न, यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आगे बच्चों में भी हो जाती है। जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं उनको झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ती हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से झुर्रियाँ बहुत जल्दी घेर लेती हैं आपके फेस को, आपकी नेक को, आपके हैंड्स पर भी हो जाती हैं, आर्म्स पर भी हो जाती हैं। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोक करते हैं उनको भी झुर्रियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। डिप्रेशन में रहने से या फिर टेंशन लेने वाले लोगों को भी ये रिंकल्स झुर्रियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से भी जो है झुर्रियाँ फेस पर दिखाई देने लगती हैं, हमारा फेस जो है एकदम से डल नज़र आता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं जो आपको रेमेडी बनाकर दिखाने वाली हूँ, अगर आप उसको रेगुलर बेस पर यूज़ करते हैं अपने फेस पर तो आपके चेहरे की झुर्रियाँ, दाग धब्बे सब जो हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स को लेना है और कैसे इसको हमने तैयार करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया है। ऑरेंज जो है इसके अंदर विटामिन सी होता है, साइट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए तो फायदेमंद होते ही हैं लेकिन हमारे फेस के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया है, ऑरेंज की मैं यहाँ पर स्लाइस लूँगी, उसका जूस निकालूंगी और जो आगे मैं इंग्रेडिएंट लूँगी वो मैं आपको साथ साथ बता दी जाऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमें यहाँ पर जो है ऑरेंज की 2 slices चाहिए, ये हमारे एक टाइम के फेस पैक को तैयार करने के लिए सफिशिएंट है। इस तरह से मैं इसको स्क्वीज कर लेती हूँ। ऑरेंज हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लोरियस बनाता है, निखार लाता है हमारी स्किन पर, बहुत ही फायदेमंद होता है। ये ऑरेंज जूस हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पपाया को। पपाया के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। पपाया हमारी स्किन से रिंकल्स को दूर करने के साथ साथ फेस पर ग्लो भी बना के रखता है और साथ साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। मैंने यहाँ पर 1 slice पपाया की ली है और मैं इसको यहाँ पर अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। अब इसको मैं पपाया को ऑरेंज जूस में डाल लेती हूँ और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे
स्वीट आलमंड ऑयल। स्वीट आलमंड ऑयल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को टाइट करती है और साथ साथ यंग एंड ग्लोरियस भी बनाती है। तो अगर आपके पास स्वीट आलमंड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं यहाँ पर आलमंड ऑयल की ले रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है चेहरे से रिंकल्स को दूर करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए। आपकी बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी रिंकल्स हैं, नेक पर हैं, फेस पर हैं, हैंड्स पर हैं या लेग्स पर हैं, तो वहाँ पर इसको अप्लाई कीजिए। 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल पानी से अपने फेस को, अपनी बॉडी को क्लीन कर लीजिए। वीक में 3 से 4 बार इस रेमेडी को फॉलो करने से आपके स्किन से रिंकल्स दूर हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स दूर हो जाएंगे और साथ साथ आपके फेस पर ग्लो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और प्लीज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।